सेकंड हम बात कर रहे हैं जिसकी साइंटिफिक मेथड की। साइंटिफिक मेथड के अंदर हम क्या बात करेंगे, साइंटिफिक मेथड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले इसके अंदर हम क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन। तो पहली चीज हमारी क्या रहती है कि हम कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अगर हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ किस तरीके से हम साइंटिफिक मेथड के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन, ओके, थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि किस तरीके से ट्री से एक एप्पल नीचे अर्थ की तरफ आ रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया गया, फिर उसके ऊपर अलग अलग ऑब्जर्वेशन की गई, एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस लॉ को डिफाइन करने के लिए, इस चीज को डिफाइन करने के लिए, इस ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पर बात करें सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करने के बाद इनका लॉजिकल बिहेवियर देखा जाता है। तो लॉजिकल बिहेवियर किस तरीके से, लॉजिकली ये क्यों हुआ, तो लॉजिकली ये क्यों हुआ, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ क्या लग रहा था, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका लॉजिकल बिहेवियर क्या देखा गया, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एप्पल हमारा क्या गिर रहा था, नीचे। इसका लॉजिकल बिहेवियर देखा गया। थर्ड, अगर हम बात करें क्या किया गया इसके ऊपर, मैथमेटिकल मॉडलिंग की गई। मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी कि इसे, इस कंसेप्ट को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में दिया गया। मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से दिया गया, अगर हम मान लेते हैं एप्पल का मास क्या है m1 और अर्थ का मास हमारा कितना है m2, ओके, यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं अर्थ का मास हमारा कितना है m2, इन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है हमारे, इसके सेंटर से और इस एप्पल के सेंटर से हम मान लेते हैं r डिस्टेंस, ओके। या फिर हम जनरली यहाँ बात करें किस तरीके से दो मासेस हैं हमारा, एक मास क्या है m1 और एक मास हमारा क्या है m2, जिनके बीच में कितना डिस्टेंस है r डिस्टेंस। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स कितना होता है हमारा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पेयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट का क्या किया गया, मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ बॉडी मैथमेटिकल फॉर्म में हमें मिला, ओके। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि थियोरेटिकल प्रिडिक्शन। अब हम इसे थ्योरी की फॉर्म में बोला गया दिया गया, तो थियोरेटिकल प्रिडिक्शन के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, थियोरेटिकल प्रिडिक्शन के अंदर हम कहेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग मास, every object which is having mass attracts every another object on this universe, ठीक है, यानी कि हर object किसी दूसरे object को attract करेगा जिसके अंदर mass होगा। every object attracts any other object which are having mass on this universe, attracts any other object having mass, okay, in this universe। तो इसको हमने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया गया, हमें थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन मिला गया इस थ्योरी का, ओके। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। तो वेरिफिकेशन में अब हम इसे, हम क्या कहेंगे कि इसका प्रूफ किया जाता है कि किस तरीके से वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, कि ये थ्योरी सभी जगह जहां भी दो मासेस है वहां वैलिड है या नहीं है, थ्योरी को वेरीफाई करना, ये हमारा कैसा रहता है लास्ट स्टेप रहता है। तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड में हमने 5 स्टेप्स देखे, 5 स्टेप्स क्या क्या है हमारे, पहले हमारा स्टेप क्या था, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करना किसी भी चीज को थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, ओके। जैसे कि न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एक ट्री से हमारा क्या गिर रहा है, अर्थ के ऊपर एक एप्पल गिर रहा था, तो उसके माइंड में स्ट्राइक किया कि हाँ ये एप्पल कैसे गिरा होगा। तो उसके बाद इस कंसेप्ट के ऊपर क्या देखा गया, इसका लॉजिकल बिहेवियर, इसके पीछे लॉजिक क्या होगा। तो लॉजिक क्या था, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किस वजह से एप्पल नीचे गिर रहा था, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर रहा था, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। फिर
उसके बाद इस कंसेप्ट के ऊपर क्या किया गया, मैथमेटिकल मॉडलिंग की गई। मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या किया गया कि दो मासेज हैं अगर हमारे इस यूनिवर्स के ऊपर, उन दोनों के बीच में अगर हमारा आर डिस्टेंस है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमें मैथमेटिकल फॉर्म में मिला। ये पता चल गया कि किस तरीके से फोर्स लग रहा है। अब कितना फोर्स लग रहा है मैथमेटिकल फॉर्म में हमें बताया गया। मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से बताया गया, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट्स की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके स्क्वायर के डिस्टेंस की। अगर हम बात करें इन दोनों को कंबाइन करके तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो एफ इज अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्म में हमें मिला। या फिर अगर हम बात कर सकते हैं कैसे अर्थ के चारों तरफ हमारा क्या रिवॉल्व कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है, तो ये भी हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइन कर रहा है। या फिर अगर हम बात करें किस तरीके से सन के चारों तरफ हमारा अर्थ या प्लैनेट्स और प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो ये भी हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें डिफाइन करता है। तो यूनिफिकेशन बेसिकली है क्या कि कुछ यूनिफाई करना है डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना को इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड लॉस। ठीक है, तो अगर हम बात करें या फिर मैक्सवेल की इक्वेशन, मैक्सवेल ने क्या यूनिफाई किया था, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर दिया था। इन्होंने सभी फॉर्म्स को बेसिक लॉज ऑफ हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिए थे, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को इन्होंने यूनिफाई कर दिया। सेम लॉ आपको डिफाइन कर सकते हैं, सेम लॉ बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें मैक्सवेल इक्वेशंस के फॉर्म में मिले। मैक्सवेल ने हमें बेसिकली चार इक्वेशंस दी। ओके, अब अगर हम बात करें, ये हम आगे पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, अगर हम बात करें किसके अंदर, रिडक्शनिज्म के अंदर। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, रिड्यूस करके पढ़ना, यानी कि टू डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम की फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंपलर पार्ट्स। सिंपलर पार्ट्स से हमें जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसे डिराइव, टू डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इट सिंपलर पार्ट्स। जैसे कि हम रिडक्शनिज्म के अंदर एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर गैसियस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम हीट से रिलेटेड बात करते हैं। थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो टेम्परेचर में जब भी कहीं भी जो चेंज हो रहा है वो हीट कंडक्शन की फॉर्म में होगा या हीट ट्रांसफर की फॉर्म में होगा, वो सब चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ओके, बेसिकली रिडक्शनिज्म क्या हुआ, सिंपलर प्रॉपर्टी से एक बड़े सिस्टम को डिराइव करना थर्मोडायनामिक्स जैसा है हमारा, तो वो हमारा क्या होगा, रिडक्शनिज्म।